वेलकम टू ट्रेंड पी के दोस्तों, आज हम खड़े हैं डिजिटल मोबाइल पे। तो आज हम आपको बताएंगे हवावे मोबाइल, उनके मॉडल और उनकी प्राइस। इसके लिए हमारे साथ एक दोस्त है, उनके साथ बातचीत करते हैं और आपको वो अच्छी तरह से गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफजाल हुसैन। मोहम्मद अफजाल, आज हम ऑडियंस जो है उनको बताइएगा इनकी प्राइस और इनके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, वो डिटेल के साथ थोड़ा शेयर कीजिएगा। हवावे इस टाइम बहुत टॉप ब्रांड्स में जा रहा है, बहुत ही अच्छा ब्रांड है, एक बहुत ही वसी दुनिया का वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल ब्रांड है। इसमें मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बताऊंगा हवावे का Y9A बहुत अच्छा मॉडल चल रहा है, जो 8GB 128GB के साथ है, 44 प्राइस रेंज में है। पॉपअप सेल्फी कैमरा है, बैक पे 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, +2 मेगापिक्सल और +2 मेगापिक्सल इसके 4 कैमराज हैं जो AI टेक्नोलॉजी के साथ दिए गए हैं। उसके साथ साथ अगर इसके नीचे हम बात करें तो Nova 7i आता है। Nova 7i जो है वो 42,000 प्राइस रेंज में है, वो भी बहुत अच्छा मॉडल है। बैक पे क्वाड कैमराज हैं, 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और फ्रंट जो है उसका 16 मेगापिक्सल के साथ है। बहुत ही अच्छा मॉडल ये चल रहा है। इसका जो प्रोसेसर है वो सबसे बेस्ट है, 2.2 GHz प्रोसेसर है इसमें। किरण 710 10nm न्यू जनरेशन प्रोसेसर है। उसके साथ साथ अगर हम पीछे इसके नीचे से हैं तो 41,000 का बनता है Y9S। Y9S भी पॉपअप सेल्फी के साथ है, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है और बैक पे इसके 16 मेगापिक्सल +8 मेगापिक्सल +2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर के साथ दिया गया है। उसके साथ अगर हम 30,000 की रेंज में आते हैं, 33,000 की, तो उसमें Y8P आता है। ये OLED डिस्प्ले में है, ये फर्स्ट Y सीरीज़ में हवावे का मॉडल दिया गया है जो OLED डिस्प्ले के साथ है। इसका जो प्रोसेसर है किरण 710F है 2.0 1.5 के साथ। उसके साथ ही इसके डिस्प्ले के अंदर ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, क्योंकि इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इसलिए दिया गया है कि ये LED डिस्प्ले में है। साथ ही साथ इसके कैमरा की बात करें तो 48 मेगापिक्सल +8 मेगापिक्सल +2 मेगापिक्सल के साथ बैक पे 3 कैमराज हैं और फ्रंट इसका 16 मेगापिक्सल है। उसके साथ ही अगर हम नीचे 20 की रेंज में बात करते हैं तो 20 की रेंज में भी हवावे की बहुत औसम डिवाइस दी गई है, वो है Y6P। Y6P के सबसे जो मेन फीचर्स हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। 13+5+2 मेगापिक्सल बैक कैमरा है, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है, 6.6 इंच डिस्प्ले के साथ है। उसके साथ साथ इसकी जो बैटरी है वो बहुत ही लॉन्ग लास्ट बैटरी है, 5000 mAh बैटरी है इसकी। और साथ ही साथ इसमें जो क्वालिटीज़ मौजूद हैं वो हैं FM रेडियो है, वायरलेस FM रेडियो। उसके साथ साथ इसमें रिवर्सिबल चार्जिंग भी मौजूद है, जिससे आप कोई और डिवाइस चार्ज भी कर सकते हैं और इससे भी आप आगे पावर बैंक के साथ भी किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है अफजाल भाई, एक और चीज़ हमें बताइएगा कि अक्सर मोबाइल जो है वो आ रहे हैं उनमें थोड़ा स्पीड का इशू आ जाता है गेमिंग खेलते वक्त, या आप कोई भी ऐप्स जो है वो बैक साइड पे चल रही होती हैं तो वो हैंगिंग प्रॉब्लम आ जाती है। हवावे में ये कोई इशू है आजकल? हवावे में सर इस बिना पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा Nova 7i, क्योंकि Nova 7i में किरण 710F प्रोसेसर है, 980 प्रोसेसर है इसमें। AI जनरेशन के साथ ये लॉन्च किया गया है और 7nm प्रोसेसर है। ये चिप है जो बिल्कुल लेटेस्ट चिप है जो 2019 में हवावे ने लॉन्च की थी और ये जर्मनी में बेस होता है। बेसिकली अगर गेमिंग के लिहाज से मैं रिकमेंड करूँ तो आपको Nova 7i रिकमेंड करूँगा, क्योंकि 8GB रैम के साथ है और 2.2 और 1.8 40-45 की रेंज में कोई मोबाइल कोई ब्रांड नहीं दे रहा। तो हवावे इसमें बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस के साथ Nova 7i दे रहा है जो पंच होल डिस्प्ले के साथ है। उसके बाद इसकी बात करें 1080x2400 की जो रेजोल्यूशन है उसके साथ आपको बेहतरीन ग्राफिक्स डिज़ाइन देता है, ये बेहतरीन डिस्प्ले क्वालिटी देता है, साउंड माउंटेन फिंगरप्रिंट है। अगर आप इजीली इसको कहीं भी रख के अपनी फिंगर टच कर सकते हैं और अनलॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब स्पीड के वाले से भी अच्छा काफ़ी मोबाइल है। अच्छा एक और चीज़ हमें बताइएगा कि आजकल मोबाइल जो है उनमें दो तरह के कैमराज आ गए हैं, कुछ में पंच होल है कुछ में वाटर ड्रॉप है, तो इसमें कौन सा यूज़ होया है? इसमें पंच होल साइज कैमरा है जो न्यू डिज़ाइन आया है। जो वाटर ट्यूब का डिज़ाइन था वो 2019 में ओल्ड डिज़ाइन हो गया, अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसमें पंच होल डिज़ाइन यूज़ किया जा रहा है। इससे ये ईजी हो जाता है कि जो ऊपर की डिस्प्ले डिस्टर्बेंस है वो कम हो जाती है, साइड पे नीचे की तरफ एक कॉर्नर पे कैमरा आ जाता है। उससे ये होता है कि कंज्यूमर को इजीली इस्तेमाल करने में, जैसा कि आजकल पबजी का रोल है तो पबजी गेम जो है वो पंच होल में ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करती, ड्यू ड्रॉप में थोड़ा डिस्टर्ब होता था, साइड से आ जाता था कैमरे के, ज़्यादा डिस्प्ले की जो जगह वो ज़्यादा ले लेता था। अच्छा इसमें एक और काफ़ी मोबाइल्स के इंटरव्यू वगैरह होते रहते हैं तो उनमें काफ़ी चीज़ एक न्यू आ रही है, फिंगरप्रिंट के साथ साथ जो वो फेस जो है ना उसका भी होता है सिक्योरिटी वाला, उसकी ये भी इसमें आ रहा है इस फीचर? जी हवावे के जितने भी ये मॉडल्स मैंने आपके सामने रखे हैं और जो इस वक्त हॉट सेल में जा रहे हैं ये सारे फिंगरप्रिंट के साथ भी हैं और फेस अनलॉक भी है। Y9S जो है उसका भी साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट है, Y9A भी साइड माउंटेन है, Nova 7i भी साइड माउंटेन है,
जो Y8P है इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है क्योंकि ये LED डिस्प्ले के साथ है। उसके साथ ही साथ जो Y6P है इसका बैक पे फिंगरप्रिंट है। तो फिंगरप्रिंट के साथ साथ इनकी जो सिक्योरिटी में मजीद इजाफा है वो फेस अनलॉक ऑल डिवाइस में अवेलेबल है। और अगर प्रोसेसर के हवाले से बात की जाए तो इसमें प्रोसेसर कौन सा, ऑक्टा कोर यूज हुआ है या दूसरा कोई और यूज हुआ है? सर जो हाई एंड डिवाइसेज हैं उनमें ऑक्टा कोर है, जो 20 से नीचे डिवाइस है Y6P इसमें डुअल कोर प्रोसेसर यूज किया गया 2.0 और 1.8 चिप के साथ। ठीक है अफजाल भाई, कुछ मोबाइल ऐसे हैं जिनके अंदर अभी या तो चार्जर नहीं आ रहा होता उनके साथ या उनकी केबल नहीं आ रही थी, तो इसके अंदर इसकी एक्सेसरी कंप्लीट है? सर Huawei की जितने भी इस टाइम मॉडल्स आ रहे हैं सब में हैंड फ्री भी है, चार्जर्स भी है और बैक पाउच भी साथ दे रहा है Huawei। जस्ट Y6P जो है इसमें बैक पाउच नहीं आता लेकिन हैंड फ्री साथ आ रही है। ठीक है और अभी इसमें जो चार्जिंग बेस है वो कौन सी यूज हुई है? चार्जिंग बेस जो Huawei के जो हाई एंड डिवाइसेज हैं जैसे कि 40 प्लस या 30 प्लस से आप ऊपर जाते हैं तो Nova 7i में 40 वोल्ट फास्ट चार्जिंग है, सी पोर्ट यूज़ की गई है जो कि नॉर्मल चार्जिंग से बेहतरीन स्पीड देती है। और सबसे अहम जो इसमें मेन फीचर्स है वो यही है 40 वोल्ट फास्ट चार्जिंग, 40 वोल्ट का ये फास्ट कर सकता है चार्जिंग। उसके बाद Y9A है वो भी 40 वोल्ट के साथ है, जो Y8P है ये नॉर्मल है लेकिन सी टाइप चार्जिंग पोर्ट इसमें यूज़ की गया। Y9S भी नॉर्मल है लेकिन नॉर्मल से थोड़ा सा ये फास्ट है, 2.0 आप कर सकते हैं उसको, फास्ट चार्जिंग में वो इन्वॉल्व किया जाता है। Y6P में नॉर्मल एंड्रॉयड केबल यूज़ की गया है और नॉर्मल चार्जिंग है 2.0 वोल्ट का। ठीक है और एक और चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि वारंटी के हिसाब से हर मोबाइल जो भी कंपनी नहीं आती है उसकी वारंटी तो डेफिनेटली होती है और इसकी ये कितनी वारंटी है जो है Huawei के मोबाइल की? सर Huawei बेसिकली एक साल की वारंटी देता है अपने कंज्यूमर को, उसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की आती है लेकिन गिरने की टूटने की कोई वारंटी क्लेम नहीं होती। बाकी Huawei के हर सिटीज़ में पाकिस्तान में मोस्टली आपने देखे होंगे कि सर्विस सेंटर मौजूद हैं, सर्विसेज मौजूद हैं, आप ऑनलाइन भी इसमें करवा सकते हैं अपनी डिवाइस को। और उसके अलावा आप किसी अपने नियर जो आपका एरिया है वहाँ पर आप इसके GCC ऑफिस बने हुए हैं वहाँ आप उनको विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप अपना क्लेम करवा सकते हैं। तो Huawei के क्लेम के हवाले से मैं कहूँगा कि कहीं भी आपको कोई कंप्लेन नहीं आएगी पाकिस्तान में, हर सिटी में इसके कलेक्शन सेंटर्स भी हैं और सर्विसेज सेंटर भी हैं। अच्छा अगर इस तरह इसकी बात की जाए अगर इसकी वारंटी की, तो वारंटी के हवाले से कुछ चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, काफ़ी हमने सुना भी है देखा भी है कि कुछ मोबाइल थोड़े बहुत डैमेज हो जाते हैं लेकिन वारंटी में होते हैं और कंपनी उनसे कुछ ना कुछ उनके परसेंटेज जो है वो चार्ज करती है, क्या Huawei आज नहीं करती या वो चार्ज करती है कंपनी? देखिए सर जब मोबाइल डैमेज होता है या उसका डिस्प्ले वगैरह टूटता है तो उसकी वारंटी तो बेसिकली नहीं होती, लेकिन ये है कि 6 माह 4 माह के बाद ना Huawei ना हर एक मॉडल की ना कोई कंपेन निकाल देती है, मतलब कि उसमें डिस्काउंट ऑफर आ जाती है कि इसका जो पैनल है वो इतने परसेंट में आपको मिलेगा, इसकी जो डिस्प्ले है या इसका जो मेन बोर्ड है वो आपको इतने परसेंट में मिलेगा। तो वो परसेंट से ये होता है कि कस्टमर को काफ़ी अच्छी सर्विसेज मिल जाती हैं और जो चीज़ 50,000 की होती है वो उसको 50% डिस्काउंट में 25,000 की मिल जाती है। तो Huawei इस हवाले से हर 6 माह 4 माह के बाद ना एक नई कंपेन निकालता रहता है जिससे ये होता है कि सर्विसेज में काफ़ी अच्छी कस्टमर को रेफरेंस भी मिल जाता है और उसके साथ साथ उनको डिस्काउंट ऑफर में चीज़ें मिल जाती हैं। एक और चीज़ हम पूछेंगे आपसे कि कुछ मोबाइल जो है कुछ अर्से के बाद चलने के बाद बंद हो जाते हैं, क्या वो PTA से प्रूव होते हैं या नहीं होते, और Huawei जो है वो इस हवाले से प्रूव है या नहीं? सर जो ऑफिशियली पाकिस्तान में आ रहे हैं जितने भी मॉडल्स आ रहे हैं वो आपके PTA से प्रूव्ड होके आते हैं और इसमें Huawei में बेसिकली दो डिस्ट्रीब्यूटर हैं एयरलिंक और MNP, ये स्टॉक पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल ओवर मार्केट में। तो MNP और एयरलिंक से जितने भी स्टॉक आ रहा है वो सारा PTA से प्रूव्ड होके आता है। उसके अलावा बफरदन जो आप डिवाइस बाहर से मंगवाते हो Huawei की, आप देखें आपके P40 और Mate 40 सीरीज़ जो है वो यूरोप में या मिडल ईस्ट में इधर उधर Huawei ने लॉन्च किया है लेकिन पाकिस्तान में लॉन्च नहीं की, तो वो अगर आप बाहर से मंगवाते हो तो वो यहाँ मंगवाने पे आपको टैक्स पे भी करना पड़ेगा और उसको रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा। लेकिन जो डिवाइस आप पाकिस्तान से लेते हो, पाकिस्तान में इस टाइम सबसे ऊपर जो Huawei की डिवाइस है वो Y9A है, Y9A से नीचे Nova 7i, तो ये जो डिवाइसेज हैं ये PTA से प्रूव्ड हुए हैं और ये आप यहाँ से इजीली यूज़ भी कर सकते हो, क्लेम भी करवा सकते हो। लेकिन जो आप डिवाइस बाहर से लोगे वो यहाँ पे क्लेम भी नहीं होगी और उसके अलावा उसको आपको रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा और उसका टैक्स भी पे करना पड़ेगा क्योंकि वो नॉन कस्टम डिवाइस होती है। अच्छा अगर बैटरी के हवाले से बात की जाए तो बैटरी भी इसकी काफ़ी अच्छी है जो है, लेकिन उसकी बैटरी टाइमिंग इसकी क्या कुछ दे रही है जो Huawei का मोबाइल है आजकल? सर Huawei के जो आजकल जो सबसे ज़्यादा डिवाइस चल रही है Y9A और Nova 7i, ये 40,000 और 50,000 की रेंज में है, बहुत अच्छी डिवाइसेज हैं, 40 वोल्ट फास्ट चार्जिंग के साथ हैं, 45 mAh और 42 mAh इनकी बैटरी टाइमिंग है। और 40 वोल्ट फास्ट चार्जिंग ये है कि अगर नॉर्मल मोबाइल आप एक घंटे में चार्ज करते हो तो जो 40 वोल्ट चार्जिंग है उससे ये आपको बेनिफिट हो जाएगा कि उस वो आपको आधे घंटे 40 मिनट इतने में आपकी बैटरी फुल कर देगा
यहाँ तक कि आप 3 मिनट चार्जिंग लगाओगे तो 8 से 10 घंटे आप इसकी नॉर्मली यूज़ कर सकते हो, और 4 से 5 घंटे आप उस पर 3 मिनट चार्जिंग पे 2 घंटे आप वीडियोज़ भी देख सकते हो। अच्छा, आजकल एक और चीज़ देखने में आ रही है, कैमरा के हवाले से मोबाइल काफ़ी जो है ना वो चल रहे हैं। कैमरा, कई मोबाइल हैं उनके, वो जब कैमरा रिकॉर्डिंग करते हैं उनके पिक्सल वगैरह नहीं पकते, तो कैमरे के हवाले से इनके पिक्सल का भी है कोई इशू इसमें या नहीं? सर, उसमें ये है कि 4 AI क्वाड कैमरास देने का मकसद ही ये होता है कि कैमरा क्वालिटी को और इंक्रीज़ किया जाए और बेहतर किया जाए। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो Y9A और Nova 7i में कैमरास दिए गए हैं, बैक पे 4 कैमरास हैं। अब 48 मेगापिक्सल जो है वो वाइड एंगल लेंस है, उसके साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया। तो जो 48 मेगापिक्सल है वो मेन लेंस है, वो पिक्चर को कैप्चर करेगा। जो 7-8 मेगापिक्सल है वो इसलिए यूज़ किया गया है कि अगर मैं एक जाविये की पिक्चर ले रहा हूँ, एक एरिया की पिक्चर ले रहा हूँ, लेकिन वो एरिया मुझसे कवर नहीं हो रहा, तो मोबाइल का जब मैं कैमरा ऑन करूँगा तो नीचे एक ऑप्शन आता है वाइड एंगल। ठीक है, वाइड एंगल मैं ऑन करूँगा तो वो कैमरे को और फैला देगा, कैमरा उसको फैला देगा और उसकी एरिया कवर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर नीचे मैं पोर्ट्रेट मोड ऑन करूँगा तो जो 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर दिया गया है वो उसके जहाँ से मैं ब्लर मारना चाहता हूँ, जिस चीज़ को मैं नहीं लेना चाहता, वो उस चीज़ को ब्लर मार देगा और बाकी जो मेन फोकस होगा उसको फोकस करके कैप्चर करेगा। साथ ही साथ चौथा जो कैमरा इसमें दिया गया है वो 2 मेगापिक्सल माइक्रो नैनो कैमरा है। माइक्रो नैनो कैमरा क्या काम करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई बुक रीड कर रहा हूँ लेकिन मैं उसमें कुछ वर्डिंग की पिक्चर लेना चाहता हूँ अपने पास मेमोरीज के लिए, तो मैं जब पिक्चर लूँगा तो जो नॉर्मली कैमराज होते हैं ना, वो जब आप जूम करते हो तो पिक्सल फट जाते हैं, वो राइटिंग आपको नज़र नहीं आती। लेकिन आप जैसे 48 मेगापिक्सल के साथ 2 मेगापिक्सल मैक्रो नैनो कैमरा ऑन करोगे तो वो जो आपकी राइटिंग है वो भी क्लियरली वो आपको जूमिंग करके दिखा देगा कि ये लिखा हुआ है, और आप पिक्चर भी ईजिली कैप्चर कर सकते हो। तो कैमरा के लिहाज से मैं अगर बात करूँ तो बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये के 4 कैमरास। काफ़ी कस्टमर हमसे पूछते हैं कि सर 4 कैमरास एक साथ काम करते हैं, तो फिर उनको प्रेजेंट करना पड़ता है कि नहीं सर, 4 कैमरास का मकसद ये है कि हर कैमरे का अपना काम है, हर कैमरे ने अपना अलग अलग से काम करना है। अब मेन कैमरा जो है वो 48 मेगापिक्सल है, 7-8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल है, 7-2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर है, उसके साथ ही साथ 2 मेगापिक्सल माइक्रो नैनो कैमराज है। इसी तरह ये, क्योंकि काफ़ी कंप्लेंट आती है कि कैमराज पीछे 4 हैं 5 हैं 6 हैं, जितने भी कैमराज पीछे लगे हुए हैं उनमें से वर्किंग जो है वो एक करता है, तो कुछ का ये कहना है कि वर्किंग एक करता है बाकी बस उन्होंने दिखावे के लिए जो है वो कंपनीज ने लगाए हुए हैं? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ये सारा कुछ अभी एग्जांपल इसीलिए दिया है कि जो कंज्यूमर हमें देखें, जो हमसे कुछ पूछना चाहें, तो उनके लिए ये था कि जो 4 कैमरास दिए गए हैं हर कैमरे का अपना अलग काम है। ये नहीं है कि अब 48 मेगापिक्सल है आप तस्वीर खींच रहे हो तो वो 48 ही काम कर रहा है बाकी तीनों नहीं है, नहीं। उसमें ये है कि नीचे कैमरास के ऑप्शन आ रहे होते हैं, वाइड एंगल, अल्ट्रा वाइड एंगल, पोर्ट्रेट मोड ऑन करेंगे तो जो 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर जिसको हम कहते हैं वो बैकग्राउंड को ब्लर मार देगा और जो चीज़ फोकस करनी है उसको फोकस करेगा। उसके साथ ही जो चौथा कैमरा है वो माइक्रो नैनो कैमरा है, वो जूमिंग के लिए होता है कि कितना जूम करके आप ऑप्टिमाइज करके अपनी तस्वीर कैप्चर कर सकते हो। अच्छा ठीक है, और अभी कुछ मोबाइल आ रहे हैं उनका जो स्पीकर है वो दोनों तरफ से काम करता है, इसका सिंगल है या डबल है? सर इसका स्पीकर सिंगल है, एक साइड पे जो होता है वो माइक होता है और दूसरी साइड पे स्पीकर सेंसर होता है। Huawei का जो है एंटीना सिस्टम जो है ना वो डिवाइस के, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल काफ़ी मोबाइल जो होते हैं उनके ना ऊपर एंटीनाज होते हैं, लेकिन Huawei ने क्या किया अपने चारों कॉर्नर पे एंटीना सर्विसेज दी हुई हैं और उसके साथ साथ ऊपर भी सेंसर हैं नीचे भी सेंसर हैं, तो जो माइक सेंसर है वो नीचे भी है और इस तरफ ऊपर भी सेंसर है। मतलब सर्विस के वाले से भी कोई इशू नहीं बनेगा क्योंकि एंटीना जो चार्ज एंटीना वो इसमें इंस्टॉल है जी। Huawei के जो बेसिकली मॉडल की डिज़ाइनिंग है ना उसमें चारों साइडों पे एंटीनाज दिए गए हैं, इससे सर्विसेज में और भी बेहतरी आती है। आप अगर कहीं अंडरग्राउंड खड़े हैं या किसी ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ सर्विसेज कम आ रही है तो Huawei के जो डिवाइस है वो इस हवाले से बहुत बेहतर है कि इसकी सर्विसेज पे इतना प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, और मोबाइल आज काफ़ी जो है वो वाटर प्रूफ आ रहे हैं, तो उसमें Huawei भी वाटर प्रूफ दे रहा है मोबाइल को? सर Huawei में वाटर प्रूफ अभी फ्लैगशिप डिवाइस पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुई, मे बी कमिंग सून मेट 40 सीरीज आए तो उसमें ये है कि वो वाटर रेजिस्टेंट आएंगे, बाकी इनमें से अभी जितने भी आ रहे हैं ये वाटर रेजिस्टेंट डिवाइस नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर इन मॉडल्स के हवाले से बात की जाए तो अभी इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा सेल हुआ है मार्केट में? सर इस टाइम सबसे ज़्यादा जो फ्लैगशिप डिवाइस जा रही है वो Nova 7i है। सबसे बड़ी चीज़ उसमें जो ज़्यादा कस्टमर जो समझता है वो उसके प्रोसेसर की वजह से और उसके कैमरास और डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी है। प्रोसेसर उसमें जो न्यू जनरेशन लगे हुआ है 2.2 और 1.8 के साथ, तो 2.2 40 की रेंज में कोई डिवाइस भी नहीं दे रही, केना 980 न्यू जनरेशन प्रोसेसर है। तो इस हवाले से अगर मैं रिकमेंड करूं तो Nova 7i इस टाइम टॉप पे जा रहा है। ठीक है, ये टॉप पे जा रहा है। अगर
अगर मैं पूछूं कि अगर आप अपनी जात के लिए कौन सा मोबाइल इनमें से यूज़ करेंगे, कौन सा मॉडल इस्तेमाल करेंगे? मैं अगर खुद के लिए रिकमेंड करूं तो नोवा या Y9A। अच्छा, इसका मतलब आप जो है वो नोवा के जियाले हैं। नोवा का जियाला हूँ। नोवा असल में प्रोसेसर बहुत अच्छा है ना, जिसकी वजह से फिर पसंद भी किया जाता है। उसके बाद इसकी डिस्प्ले रेजोल्यूशन, और सबसे बड़ी जो चीज़ है, मेन जो चीज़ देखी जाती है वो हैंडी सेट, बिल्कुल जिसकी हैंड ग्रिप हो। तो नोवा 7i की जो है ना, वो हैंड ग्रिप बड़ी अच्छी है। अगर आप इजीली इसको कहीं बाज़ार में चल रहे हैं, कहीं भी चल रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आप इजीली एक हाथ से इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन वेट भी इसका काफ़ी जो है ना, वो हल्का सा वेट है। वेट भी हल्का है, वेट के हवाले से भी, और हैंड ग्रिप भी बहुत अच्छी है। तो इस हिसाब से मुझे ये सेट पसंद है। चलें ठीक है। तो अफजाल भाई, एक मरतबा फिर जो है हमारी ऑडियंस को आप इनके मॉडल बता दीजिएगा, वन बाय वन की डिमिज दिखा दें, ताकि उनको देखने में आसानी हो, उनको परचेज़ करने में आसानी हो, ताकि वो जो है इजी से इजी वे जो है उनको पता चल सके। तो पहला कौन सा हमारे पास? सर सबसे जो नीचे बॉटम में आता है 20 की रेंज में, वो है Y6P। Y6P जो है 3GB 64GB के साथ है, 5000mAh बैटरी है, बैक पे 3 कैमरे हैं, 13 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, और फ्रंट जो है वो 8 मेगापिक्सल के साथ है, 5000mAh इसकी बैटरी है। इसमें 3 कलर आते हैं, पैथम पर्पल, क्रश ग्रीन और मिडनाइट ब्लैक। उसके साथ ही अगर इससे ऊपर हम 30, इसकी प्राइस कितनी बताई आपने? 21,000। नेक्स्ट इसके साथ ही अगर हम बात करें तो Y8P आता है। Y8P जो है ये 32,200 का है। इसमें अगर हम बात करें तो ये 6GB 128GB के साथ है। उसके साथ ही इसके बैक पे कैमराज की बात करें तो 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल है, और फ्रंट की बात करें तो 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है। उसके साथ ही वाई सीरीज़ में ये फर्स्ट टाइम LED डिस्प्ले दिए गया। डिस्प्ले के अंदर ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, सी पोर्ट फास्ट चार्जिंग है। उसके साथ ही अगर हम बात करें इससे ऊपर 42 या 44 की रेंज में, तो उसमें आता है Huawei Nova 7i। Nova 7i जो है वो है 8GB 128GB के साथ है। बैक पे 4 कैमराज हैं, क्वाड डिज़ाइन दिया गया इसमें, जो न्यू डिज़ाइन है। इसके साथ ही 8 मेगापिक्सल 48, 8, 2 और 2। फ्रंट जो है वो 16 मेगापिक्सल के साथ है, पंच होल डिज़ाइन है, 4200mAh इसकी बैटरी है, 40 वोल्ट फास्ट चार्जिंग है ये। इससे ऊपर अगर हम जाते हैं 44 या 45 की रेंज में, तो उसमें आता है Huawei Y9A। Y9A जो है, ये जो फ्रंट है वो पॉपअप सेल्फी के साथ है, ये भी एक न्यू डिज़ाइन है। पॉपअप सेल्फी में ये आपको बेनिफिट मिल जाता है कि ये जो डिस्प्ले है ये फुल व्यू डिस्प्ले हो जाता है। आप इजीली इस पर कुछ भी कुछ देख सकते हैं, और गेमिंग एक्सपीरियंस करना चाहें तो इस पर बहुत इजी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो नॉच है, ना पंच है, और ना ही ड्यू ड्रा है। बैक पे बात करें तो इसके बैक पे 4 कैमराज हैं, 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, और साथ में 2 मेगापिक्सल माइक्रो नैनो कैमरा दिया गया है। इसकी भी 40 वोल्ट फास्ट चार्जिंग है, और साथ साथ ही इसमें कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी दी गई है, डिस्प्ले रेजोल्यूशन भी इसकी बहुत अच्छी है। उसके साथ ही अगर इससे नीचे हम बात करें तो Y9S आता है। Y9S जो है ये भी बेसिकली पॉपअप सेल्फी के साथ है, ये 6GB 128GB में है, 41,000 में ये मार्केट में अवेलेबल है। Y9S की मेन जो क्वालिटी है वो यही है कि इसका जो प्रोसेसर है वो भी बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ इसके डिस्प्ले पे भी आप फुल व्यू डिस्प्ले पे गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छे तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आपको कोई डिस्टर्बिंग नहीं आएगी। इसका जो डिस्प्ले है उसमें आप फुल व्यू जूमिंग भी कर सकते हो। बैक पे इसके 3 कैमराज हैं, 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। फ्रंट जो है वो भी इसका 16 मेगापिक्सल के साथ है। जो प्रोसेसर है इसमें किरण 710F यूज़ किया गया, 2.0 और 1.8 के साथ डुअल चिप लगी हुई है। जी तो दोस्तों, ये थे हमारे अफजाल भाई, जिन्होंने हमें बताया जो Huawei मोबाइल जो है उनकी प्राइस जो है और उनके मॉडल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो देखने में, समझने में आसानी होगी। और अगर आप मोबाइल जो है Huawei के रिलेटेड या किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हमारे अफजाल भाई जो है उनकी शॉप डिजिटल मोबाइल, उनका नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा होगा, तो बिला झिझक आप इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोबाइल के रिलेटेड अगर आपको कहीं से कोई भी मोबाइल अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो अवेल करके आपको देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।